अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना राइटर डायरेक्टर नवीद खान अल मारूफ नवीद पाकिस्तानी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं अपने चैनल आर वाई की फिल्म पर आपको नित नए फनकार से आपकी मुलाकात करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये फनकार लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और आपस में गैदरिंग में इनका क्या माहौल होता है। तो उसी हवाले से आज हाजिर हुआ हूँ। तो आज हमारे सेट पे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के शागिर्द हसन राहत अली साहब हमारे शूट पे आ रहे हैं। तो अभी चंद ही लम्हों में आपकी मुलाकात जो है मैं हसन राहत अली साहब से करवाऊँगा, उनकी मौसीकी के हवाले से, उनके सरगम अलाप राग के बारे में बताया जाएगा और शूट के दौरान हमारा क्या माहौल होता है ये सारा माहौल मैं आपको अपने सेट पे दिखाऊंगा। चंद ही लम्हों में हसन राहत अली साहब आपके सामने होंगे। तो आइए देखते हैं हसन राहत अली साहब की परफॉर्मेंस। जी नाज़रीन, आप बताइए कि आपको हसन राहत अली साहब का परफॉर्म कैसा लगा। उसके बाद सिंध पंजाब के मायानार फनकार जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, वो है हमारे तुफैल संजरानी साहब, जिनका मशहूर कलाम चजा लगदा अली वाला बहुत ही मकबूल हुआ और अभी चंद लम्हों में तुफैल संजरानी आप लोगों के सामने होंगे। तो आइए देखते हैं तुफैल संजरानी साहब कैसे अपनी गैदरिंग को एंजॉय कर रहे हैं। सोना लगदा अली वाला, सोना लगदा अली। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल खान संजरानी, सोना लगता है दिखाना। जो छोटे अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं और ये दुनिया में जो भी स्टेज पर एक अल्फाज भी कहता है कॉन्फिडेंस के साथ वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है। मैं बहुत मशहूर और ममनून हूँ शाहिद भाई का और खान भाई का और हसन राहत अली, हसन राहत अली भाई का और अल्ताफ भाई का, नवीद पाकिस्तान और तुफैल संजरानी पाकिस्तान में संजरानी का। तो मैं बड़ा मशहूर ममनून हूँ इस वक्त सारी टीम यहाँ मौजूद है। मेरे लिए ये एहसास की बात होती है कि मैं कभी भी किसी भी कलाकार से मिलता हूँ तो मैं बड़ा प्राउडली फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी छोटा आर्टिस्ट नहीं देखा। स्टेज पर आने वाला हर वो करेक्टर करने वाला किसी स्टार के सामने हो तो वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है। मेरा छोटा सा पैगाम ये होता है क्योंकि मैंने ये देखा भी है, हम मोहब्बत को खुदा गॉड और अल्लाह समझते हैं, बाकी हर चीज को जिना समझते हैं। अगरचे पत्थर में भी खुदाई बसती हो तो हमारे लिए अहमियत दे होती है, अगर इंसान में खुदा नहीं बसता तो वो भी किसी काम का नहीं। अली वाला प्यारा लगता है, अली वाला किसे भी मैदान विचों जा, सुन ले सुन ले सुन ले, नहीं उभजदा अली वाला, सोहना लगता है अली। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आप किसी फनकार को मिलना चाहते हैं या उनको अपनी वीडियो पे स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स करें और उस आर्टिस्ट उस फनकार का नाम बताएं ताकि हमारी टीम उनके पास जाए और आपकी उनसे बात करवाए। तो आर वाई के फिल्म अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।